ओम शांति। आज की तारीख है 2/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न है जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। नंबर दो, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, याद में रहकर खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा परमपिता परमात्मा का कि एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सदैव स्मृति में रखो कि हर समय हमें एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है बाप की हजार गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।